प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जो कोरबा में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत की नामांकन रैली में शामिल होंगे। दीपक बैज मीडिया से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश में विपक्ष के नजर नहीं आने के सवाल पर कहा कि हम हेलीकॉप्टर में नहीं घूम रहे, इसलिए शायद विपक्ष नजर नहीं आ रही। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी से अधिक सीट जीतेगी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी 150 सीटों में सिमट कर रह जाएगी, जनता उनके झूठ को समझ चुकी है। दीपक बैज ने कहा कि प्रियंका गांधी 21 अप्रैल को राजनगांव और कांकेर में जनसभा करेंगी। दीपक बैज ने कहा कि कुछ लोग सत्ता के लालच में बीजेपी में जा रहे हैं, कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी के बीजेपी प्रवेश पर कहा कि बीजेपी से आई थी, बीजेपी में चली गई। दीपक बैज ने कहा कि देवेंद्र यादव को मुख्यमंत्री का लठैत कहना पद और गरिमा के अनुसार बयान का सवाल है। लेकिन कांग्रेस सरकार आएगी, सबको समानता का अधिकार मिलेगा और निश्चित रूप से इससे फायदा सभी गरीब तबके के परिवारों और लोगों को मिलेगा। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की घोषणा है। मैंने राहुल गांधी जी को स्वागत किया, उनका भाषण भी सुने और संदेश भी अच्छा गया। आने वाला समय में 21 तारीख को राजनांदगांव और कांकेर में प्रियंका गांधी जी का सभा होने वाला है, उसकी तैयारी जोरों से चल रही है। और आने वाला समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का भी सभा भी होने वाला है। तो इस तरह से उनकी तैयारियों के लिए कांग्रेस पार्टी उनकी सभा की तैयारी कर रही है और वो सभा भी बेहतर करेगी।